गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 19 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का सक्सेस मन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं कि देश दुनिया में क्या नया घटित हुआ, क्या अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ा, क्या स्पोर्ट्स में कुछ न्यू न्यूज़ आई या नहीं। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट चलाई जा रही है, बहुत सारी मेंस की सीरीज़ चलाई जा रही है, प्री की सीरीज़ चलाई जा रही है और करंट अफेयर से रिलेटेड और भी सीरीज़ चलाई जा रही है, जैसे कि आज का इतिहास टाइप में। तो वो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें कि सारी की सारी सीरीज़ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप साथ के साथ देखते चले, क्योंकि मंच में इकट्ठा होने के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं रह पाएगा। इसके लिए आप लोग साथ के साथ सीरीज़ सारी देखते हुए चले, प्लस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों सीरीज़ हम लगातार लेकर आ रहे हैं, तो आप उसका भी लाभ उठाना बिल्कुल ना भूलें। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार योजना, इसका जो मनरेगा का फुल फॉर्म है ये, इसके तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को इसने रोजगार दिया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवर के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है। कर्मभूमि का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम हो पाएंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसकी राजधानी है कलकत्ता, मुख्यमंत्री इनकी ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। नेशनल पार्क्स की देखें कि कोलकाता में कौन कौन से हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है और नीरा वैली नेशनल पार्क, ये सब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। चलिए आगे, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं अनमोल नारंग। वह लगभग 1100 कैडर में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। अमेरिका को USA भी कहते हैं, इसकी राजधानी Washington DC है, अमेरिकी डॉलर इसकी करेंसी है और डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति हैं और अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम NASA है, जिसका मुख्यालय Washington DC जो कि इसकी कैपिटल है उसमें पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में संतोष झा को किस देश ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बेल्जियम देश के लिए। संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत हैं, लेकिन इस समय अब वो बन चुके हैं बेल्जियम के राजदूत। बेल्जियम की कैपिटल की बात करें तो ये ब्रुसेल्स है, मुद्रा यहाँ की यूरो है, प्रधानमंत्री सोफी विलमेस है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पांगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना आजकल न्यूज़ में चल रही है? तो वो है चीन देश के। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों में ये पहला घातक संघर्ष माना जा रहा है। तो हम चीन की अगर हम बात करें तो चीन की कैपिटल जो बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की चीनी युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। चलिए, अमेरिका के हॉकिंसन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रिय बजरंग बली, मतलब कि हनुमान जी की प्रतिमा को। ये जो प्रतिमा है ये 3000 किलोग्राम की प्रतिमा है और 25 फीट लंबी ये प्रतिमा है। प्रतिमा को भारत में बनाया गया और शिप के जरिए से अमेरिका भेजा गया था, जिसके लिए $1,00,000 के आसपास की लागत भी आई थी। तो ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पे है?
तो भारत इस समय इस स्थान पे है 43वें। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी IMT वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43 पोजीशन पे है, जबकि अमेरिका 7 स्थान नीचे फिसल के 10th पे आ चुका है। इस रैंकिंग में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वहाँ है सिंगापुर, स्टैंड करता है फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट, कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 2 कंपनियों को। यहाँ पे 2 कंपनियों में एक का नाम है स्टेल एप्स और दूसरा नाम है जस्ट मनी। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, Airbnb, किकस्टार, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकीमीडिया पहले से ही इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये है आयुष्मान भारत अभियान के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसमें इसके अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला बन रही है, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने 93वें अकेडमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये किया है 2 महीने के लिए स्थगित। इसको कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने के लिए स्थगित किया है, मतलब कि 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इस अवार्ड की जो जारी होने की तारीख थी वो 28 फरवरी थी, मतलब कि अब फरवरी से हटा के उसे अप्रैल माह में कर दिया है ऑस्कर अवार्ड देने की डेट। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो ये किया है इसने इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ, इसने इसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही बैंक को एन कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल के विलय के लिए भी प्रस्ताव इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने दी है ग्लैंड स्लैम को कराने की मंजूरी। और इस वर्ष US ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना था, लेकिन US ओपन होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि ये होगा या नहीं, बट ग्लैंड स्लैम होने वाला है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही करंट अफेयर आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।